देखिए क्या क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एरिया अंडर कर्व की। इन सब क्वेश्चंस को ध्यान रहने से आपको काफी फायदा होगा। आपको एरिया ऑफ एलिप्स बताना है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल बताते हैं बिल्कुल उसी तरह से बता सकते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये एलिप्स सर्कल बन जाता है और एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तो मेरा सजेशन है कि आप ध्यान रखिए कि एरिया इज पाई ए बी। रहा सवाल करने का कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आपको ये भी आइडिया हो कि करना हो तो क्या करना। अगर मान लीजिए सपोज आप ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं या कोई सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हैं तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो बाकी सब करना इजीली सीख जाएंगे। अगर एलिप्स की बात करें तो ये हो गया एलिप्स। अब ये देखिए, ये ए जीरो जीरो बी माइनस ए जीरो जीरो माइनस बी। अब इसमें एरिया निकालना है पूरे एलिप्स का, हम केवल एक पार्ट का निकाल के फोर टाइम कर सकते हैं। तो सिंपल जीरो से ए में भी एरिया निकाला जा सकता है। तो आप बस इतना ही करिए कि जीरो टू ए में, मतलब आप टोटल एरिया बोलेंगे तो फोर टाइम्स ऑफ जीरो टू ए वाई डी एक्स। अब वाई जो है वो इक्वेशन से लेके आना होता है। तो कैसे लाएंगे, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बेटा वाई कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम सॉल्व करने का टाइम देखें तो कई बार ज्यादा लगता है, और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। तो ये बी बाय ए होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए। तो फोर टाइम्स ऑफ बी बाय ए बाहर लिखिए और अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए। तो क्या होता है, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए जीरो टू ए। अब सुनिए, ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए जीरो, यहां पर ए पुट किया तो ए बाय ए मिल जाएगा, और जब जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो और ये भी जीरो। तो केवल आपको बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे, ए पुट किया तो ये जीरो, ये हो गया ए स्क्वायर इन टू पाई बाई टू, राइट। एक ए कैंसिल एक टू कैंसिल, तो टू ए बी, सॉरी ये आ गया कितना, ये कैंसिल ए से ए बेटा, ओके। और यहां पर ए स्क्वायर था तो क्या बचा, पाई, और यहां पर हमारे पास वन बाय टू भी आता बेटा फॉर्मूले में, भूलना मत। तो एक टू और आएगा तो ये फोर पूरा कैंसिल, तो आंसर हो गया पाई ए बी। जो फॉर्मूला होता है उसमें वन बाय टू भी आता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है वन बाय टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, राइट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।